नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर लेडीज काम कर रही थी और यहाँ पर सांप दिखा, एक बड़ा सांप होने की सूचना है। देखते हैं कौन सा है। उस तरफ ध्यान रखिए, थोड़ा सा बताइए। मैंने दिखाई एक बहुत बड़ा रेक्स ने क्या काफी बड़ा ओके देखा भाई पीछा ले कौन क्या होगा पकड़ना बिग साइज रेड स्नेक है। पूरा तेरे चाहिए भाई, तो पूरा मूल है तेरे दिन मंदा रहा है। वो जा रहा देखा, वो जा रहा है आपका वो सारा का भी सात आठ फीट का है और काफ़ी बड़ा है। फिर भी ज़्यादा इसको तंग नहीं करेंगे और पैक कर लेंगे। गुस्सा में काफी गुस्से में इनके रहने की आम जगह है। ऐसी जगह में ही रहना अच्छा भी है क्योंकि ये नॉन पॉइजनस सांप है और पॉइजनस सांप भारत का बहुत पॉइजनस सांप कोबरा को ये आने से इस एरिया में बचाता है, उसका दुश्मन होता है। देखो उड़न लग रहा है, रुक जाओ, उड़न दें देना कुछ खैर क्या हो, उड़न लग रहे कुछ खाने लग रहा, खाया तो कोई उगड़न लग रहा कुछ कड्डा होगा निकाल दिए वो पर ना काट दिया, और ने भी काट दिया थोड़ा मी तो ठीक है। ये सांप है दोस्तों, ये किसान मित्र सांप है, रेड स्नेक धामन सांप और घोड़ा पछाड़ सांप इसी को बोलते हैं। घोड़े से भी तेज ये भागता है, घोड़े से भी ज़्यादा, जैसे घोड़ा पछाड़ी मारता है उससे भी तेज ये वार करता है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सांप अक्सर काम करते वक्त काट भी लेता है, लेकिन इस सांप में मैं आपको बता दूँ कोई भी दवाई जड़ी बूटी या कोई भी झाड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। एक केवल एंटीबायोटिक लेनी होती है ताकि कोई इन्फेक्शन स्किन में ना फैले, और इस सांप से कोई खतरा नहीं है। बल्कि ये हमारा किसान मित्र सांप ही है क्योंकि ये 20-30 चूहों को प्रतिदिन खा जाता है और ये कोबरा को भी आने से हमारे एरिया में बचाता है। और मैंने देखा है कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव के अंदर कोबरा नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। उसका कारण है कि ये गांव के चारों रहकर रेड स्नेक कोबरा से गांव की रक्षा करते हैं, तो ये सांप रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, रिलीजिंग के टाइम मिलते हैं। पानी में चला जाए एक बड़ा भारी सांप, 7-8 फीट का सांप है और देखिए चला गया।